तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर या लैपटॉप में हम किसी भी प्रिंट करते हैं तो इस प्रिंट को हमें कैंसिल करना है तो यहाँ से आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस हम कई सारे पीसी या लैपटॉप को यूज करते हैं तो उसमें हमारा कई सारे जो फाइल होता है तो इसी फाइल का हमने प्रिंट कर दिया है तो इस प्रिंट को हमें कैंसिल करना है तो यहाँ से आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का फाइल है तो इसको हमें प्रिंट करना है तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल पी बटन को प्रेस करते हैं और प्रेस करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो इस हमारा जो प्रिंट है यहाँ पे हो गया है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि प्रिंट करने के लिए हमने रेडी कर दिया है लेकिन इस प्रिंट को हमें कैंसिल करना है, प्रिंट हमें नहीं निकालना है तो आपको आसान तरीके कैंसिल कर सकते हो। तो सबसे पहले चले मैं यहाँ पे मिनिमाइज पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि इस प्रिंट को हमने प्रेस कर दिया है लेकिन प्रिंट को हमें कैंसिल करना है यानी कि उसको हमें क्लोज करना है, हमें प्रिंट नहीं निकालना है। तो इस तरह आपको कई सारे प्रॉब्लम होता है, कई सारे फाइल होता है लेकिन आपने प्रिंट कर दिया है तो उसको आपको कैंसिल करना है। तो सबसे पहले आपको मिनिमाइज पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक कर देना है। तो चले यहाँ पे मैं डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आपको कई सारे जो ऑप्शन है वही आपको दिखने को मिल जाता है। तो चलो मैं डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक कर देता हूँ तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे कई सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है तो आपको वेट करना है और वेट करके आपका जो भी प्रिंटर है तो वही प्रिंटर आपको ओपन कर देना है। तो चलो हमारा जो एचपी लेजर का प्रिंटर है वही मैं ओपन कर देता हूँ और ओपन करके आपको प्रिंटर एक्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको प्रिंटिंग पे क्लिक करना है और क्लिक करके जो भी आपने प्रिंट को प्रेस किया है यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से हमने जो दो प्रिंट को पहले से ऑलरेडी करके रखा था और मैंने दूसरा भी प्रिंट किया है लेकिन उसको हमने कैंसिल करना है तो आपको इस तरह यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से आपको देखना है तो आपको स्टार्ट बटन पे यानी कि टास्क बार पट्टी है तो इस पट्टी पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक प्रिंटर का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है तो उसमें आपको क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए उसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके जितना हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग किया है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो इस प्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा दो प्रिंट आ रहा है तो उसको मैं कैंसिल करना है यानी कि प्रिंट को मैं नहीं निकालना है तो आपको यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके राइट साइड क्लिक करना है। तो चलो मैं फाइल पे क्लिक करके राइट साइड क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आपको किसी भी प्रिंट आपने किया है लेकिन आपका जो किसी भी एरर आ रहा है तो यहाँ से आपको कैंसिल कर सकते हो, प्रिंट आपने किया है उसको आपको रिमूव करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो गाइस जितना जो प्रोसेस था वही मैंने आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बता दिया है कि प्रिंट को कैंसिल कैसे कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चल मिलते नेक्स्ट वीडियो।